ये लड़का अपने मुंह में ब्रेसेस लगाकर बड़ा हुआ, क्योंकि उसके पिता एक डेंटिस्ट थे। उसने कभी भी एक कैंडी तक नहीं खाई। वो कुछ कैंडी छिपाने में कामयाब रहा, लेकिन उसके डैड ने उन सभी को चिमनी में फेंक दिया। जैक अब वो नहीं करना चाहता था जो उससे कहा गया था। उसे राख में चॉकलेट का एक टुकड़ा मिला और उसने उसे अपने मुंह में डाला और वही एक बाइट था। जैक को इसके स्वाद से प्यार हो गया। उसने चॉकलेट के कई फ्लेवर का स्वाद चखना शुरू कर दिया और जब भी वो एक चॉकलेट खाता तो उसकी विशेषताओं को अपनी नोटबुक में लिख लेते। जैक का दिमाग पहले से ही किसी चीज पर लगा हुआ था। वो दुनिया की सबसे बड़ी चॉकलेट फैक्ट्री बनाना चाहता था, लेकिन उसके पिता ने गुस्से में आकर उसे घर से बाहर निकाल दिया। जैक ने दुनिया भर में ट्रैवल करना शुरू कर दिया। जब वो पढ़ाई से लौटा तो उसने देखा कि उसका घर गायब है। जैक निराश नहीं हुआ, उसने वास्तव में एक फैक्ट्री बनाई और उसका बिजनेस इंटरनेशनल लेवल पर चला गया। यहाँ तक कि राजकुमार ने उसे एक चॉकलेट का महल बनाने के लिए भी कहा। इसमें सैकड़ों कमरे थे, सब कुछ चॉकलेट से बना था। उसने राजकुमार को जल्द से जल्द महल को खत्म करने की सलाह दी, लेकिन राजकुमार ने उसकी बात नहीं मानी। वो जिंदगी भर यहीं रहना चाहता था। उस दिन राजकुमार स्वादिष्ट खाने का मजा ले रहा था। चॉकलेट का एक टुकड़ा अचानक उसके चेहरे पर गिर गया। लंबे समय तक सूर्य की रोशनी में रहने की वजह से पूरा महल पिघलने लगा।